मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ सड़कों पर लगे सरकारी योजनाओं के बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। इस बार MP में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, इनमें से 22 लाख से ज्यादा युवा है। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छानबीन होगी और फिर 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में इस बार 5.6 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता अब लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा युवा वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश में 2018 में हुए चुनाव में कुल 2899 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर नजर होगी। 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 109 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि यह भी दिलचस्प होगा कि भाजपा को 41% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे। 2018 के चुनाव में बसपा की 2 जबकि 5 अन्य को सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में अब राजनीति में हलचल जरूर तेज हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज एक सूची को भी जारी किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। तो वहीं पर आचार संहिता भी आज से मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। खबर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फार्म ट्रैक लेकर आया है त्योहार धमाका, अब ट्रैक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उपहार। किसानों के लिए फार्म ट्रैक ट्रैक्टर बना अभी तक का नंबर 1 ट्रैक्टर, तो देर किस बात की। ट्रैक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपेंद्र पड़रिया 94-25-99-99-20। हमारा पता है पड़रिया ट्रैक्टर से शोरूम चांदपुर रोड रैली।